ओके सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सैलेंट। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी क्या होता है, तत्काल टिकट जब हम बुक करते हैं तो तीन नाम कंफर्म बुक हो जाता है और एक नाम पेटीएम हो जाता है, या फिर नॉर्मल टिकट भी बुक करते हैं जो 120 दिन पहले होता है, एक PNR में 6 नाम टिकट बुक कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, टिकट कन्फर्म बुक हो जाता है और एक टिकट यानी कि एक नाम जो है वेटिंग में चला जाता है और चार्ट भी प्रिपेयर हो जाता है। चार्ट बनने के बाद क्या जो हम वेटिंग टिकट निकल गया है उस वेटिंग टिकट से ट्रेन में सफर कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, यदि आपके पास ई टिकट है या फिर आई टिकट है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करते हैं आई टिकट को लेकर। यदि आपने काउंटर से टिकट बुक करवाए हैं, नॉर्मल टिकट हो या फिर तत्काल टिकट हो, ज़्यादातर जो ये प्रॉब्लम आता है तत्काल टिकट में ही आता है, क्योंकि आप एक साथ तत्काल टिकट जब बुक कराते हैं तो एक PNR में 4 पैसेंजर का डिटेल फिल करते हैं, इसके बाद बुक कराते हैं। और कभी कभी क्या होता है, जब हम फाइनल पेमेंट तक पहुंचते हैं तो जिस ट्रेन में हम टिकट बुक करते हैं उस ट्रेन में 3 सीट ही होता है, हमें 4 सीट अब बुक करना होता है। तो इस स्थिति में 3 टिकट हमारा कन्फर्म बुक हो जाता है और एक टिकट जो है हमारा वेटिंग में चले जाता है। हम लोग वेट कर रहे होते हैं, वो वेटिंग टिकट हमने जो बुक कराए वो टिकट कन्फर्म हो जाता है। कई केस में ऐसा होता है जो वेटिंग टिकट एक नाम रहता है वो कन्फर्म नहीं होता है, चार्ट भी प्रीपेड हो जाता है। तो इससे पहले जो था COVID-19 से पहले, आप लोग यहाँ पे अगर वेटिंग भी टिकट है काउंटर से ले रखे हैं तो आप ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। लेकिन अब जो है, क्या वेटिंग टिकट से हम ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग चार्ट प्रीपेड हो जाता है। अगर 3 नाम कन्फर्म है और 1 नाम वेटिंग है तो यहाँ पे आप लोग वेटिंग टिकट से ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद यदि जो वेटिंग टिकट है आपको, इस जो पैसेंजर ट्रेन में सफ़र नहीं करेंगे तो उस पैसे को आपको रिफंड लेने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल रेलवे, अगर आई टिकट है तो आपको रेलवे काउंटर पर जाना है और वहाँ पर आप लोगों को TDR फाइल करवाना होगा। TDR फाइल करवाते हैं तो रेलवे का जो कैंसिलेशन चार्ज है वेटिंग का वो आपको काट कर आपको सारे पैसे रिफंड कर दिया जाएगा। जो वेटिंग टिकट है सिर्फ उनका, जो कन्फर्म टिकट है वो ट्रेवल कर सकते हैं। इसके पहले हम बात करेंगे COVID-19 से पहले, यदि आपके पास वेटिंग भी था तो आप ट्रेन में सफ़र कर सकते थे, लेकिन आने वाले टाइम में देखते हैं क्या होता है। इसके बाद हम बात करेंगे यदि आपने ई टिकट बुक कर रखी है अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर लैपटॉप कंप्यूटर से, तो यहाँ पे आपको 3 टिकट कन्फर्म है और 1 टिकट वेटिंग है, एक ही PNR होना चाहिए। तो इस स्थिति में आप लोग क्या करते हैं, हम लोग भी करते हैं, वेट करते हैं, हम सोचते हैं कि ये टिकट कन्फर्म हो जाएगा। कई केस में ऐसा होता है टिकट कन्फर्म नहीं होता है। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल, यदि चार्ट प्रीपेड हो जाता है और टिकट वो कन्फर्म नहीं होता है यानी कि एक नाम वेटिंग है, तो यहाँ पे आपको पहले भी पता है कि वेटिंग टिकट से यदि ई टिकट वेटिंग है तो आप लोग यहाँ ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकते। लेकिन इससे पहले जो था, यदि आपको एक ही PNR है और 3 नाम कन्फर्म है और 1 नाम वेटिंग है, तो आप उस PNR से आप ट्रेन में सफ़र कर सकते थे। लेकिन अब 90 की वजह से यहाँ पे आप लोगों को ट्रेन में सफ़र नहीं करना है, यानी कि कन्फर्म टिकट है तभी आप ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग नहीं कर सकते। पैसे का आपको रिफंड लेने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल, पहले तो आपको जब चार्ट प्रीपेड भी हो जाता है तो सबसे पहले आप उस टिकट को कैंसिल करके देखना है, क्या वो टिकट कैंसिल हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता है तो आप लोगों को यहाँ पे TDR फाइल करना पड़ेगा। TDR फाइल करेंगे तो आपको कुछ ही दिनों में आप लोगों को जो रेलवे का जो वेटिंग टिकट का जो कैंसिलेशन चार्ज है वो काट कर रिफंड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप लोग वेटिंग टिकट का रिफंड ले सकते हैं। वेटिंग टिकट को लेकर किसी प्रकार का सवाल है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बस आज के वीडियो बस इतना है, वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सैलेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।